दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय ओजस गिफ्ट सेंटर अमरोड बड़ूही। ऊना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रवासी लोगों को भी गैस कनेक्शन मुहैया करवाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण होगा, वहीं इन लोगों की झुग्गियों में होने वाली आग की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। यह बात शनिवार को उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने संवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। जिला में राज्य सरकार की गृहिणी योजना के तहत 1,39,000 परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया करवा दिए गए हैं। वहीं शेष जो भी परिवार बचे हैं, उन्हें भी सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 27 दिसंबर तक गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि स्कूल मुखियाओं को भी इस बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस विशेष अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों से भी जानकारी हासिल की जाए कि घर में गैस कनेक्शन है या नहीं। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज की स्कीम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा की। मीट द प्रेस कार्यक्रम के माध्यम से एक असेसमेंट प्रशासन कर रहा है कि जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम हैं वो धरातल तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, और कोई गैप्स हैं तो उनको फुलफिल किया जा सके। जहाँ तक गृहिणी सुविधा योजना या उज्ज्वला योजना की बात है, जहाँ पर हम LPG कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पात्र लोगों को, तो जिला ऊना में मैं आपको बता दूं कि 1,40,546 परिवार हैं जिनको राशन कार्ड मिले हैं। और अभी तक हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 1,39,383 परिवारों को जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तकरीबन 1,100 जो परिवार हैं उन तक हमें पहुंचना है। उनको पहुंचने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया था और उसके मुताबिक उससे कहीं अधिक एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, 1,600 के आसपास। तो आने वाले 15-20 दिनों में हम उनकी स्क्रूटनी भी करेंगे, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहा है कि 27 दिसंबर से पहले हम पूरे राज्यों में और विशेषकर हम ऊना में सभी को LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। तो इस लक्ष्य तक हम जो है वो उस निर्धारित डेट तक पहुंच जाएंगे। सर, जैसा कि देखा गया को भी इस सुविधा के तहत भी दिए जा रहे हैं गैस सिलेंडर, लेकिन वो उनको जो है उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसका भी कोई चेक रखा जाएगा? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे एक परिवार में एक ही किचन में खाना बनता है, तो एक गैस सिलेंडर का वो प्रयोग करते हैं, जो बाकी के तहत भी उन्होंने ले लिए हैं, तो क्या इस पर कोई चेक रखा जाए? जहाँ कोई ऐसी डिविएशन कोई कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है स्कीम को, तो उसके ऊपर नजर रखें। सर, ऐसा भी देखा गया कि ऊना जिला में जो है वो माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है वो चूल्हा ही जलाते हैं, तो क्या उस दिशा में भी कोई कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, जैसा मुझे विभाग ने बताया गया कि LPG कनेक्शन के लिए जो छोटा सिलेंडर होता है उसके लिए पेमेंट बेसिस के ऊपर जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स भी जो है वो एलिजिबल हैं गैस कनेक्शन लेने के लिए। तो मैंने विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि कैंपेन बेसिस तक जो है वो इन परिवारों तक पहुँचते हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स के परिवार हैं, और उनको भी जो है LPG कनेक्शन जिस तरीके से उनको मुहैया करवाया जा सकते हैं उससे मुहैया करवाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट। फेस्टिवल गिफ्ट हो, फ्रेंडशिप डे, बर्थडे या एनिवर्सरी, ओजस गिफ्ट सेंटर में आपकी पसंद का हर सामान है। अब से लेकर ऊना तक गिफ्ट डिलीवरी सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है, तो देर न करें, तुरंत पहुंचे ओजस गिफ्ट सेंटर अमरोड बड़ूही। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9805556600।